हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलेसिस किचन बाय सुरभि में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आधी किलो दूध से ढेर सारे मालपुए, और मालपुए रबड़ी वाले बना रही हूँ। और आप जैसे ही जानते हैं कि त्यौहार आ रहा है और हमें तरह तरह की मिठाइयाँ खाने में बड़ा मज़ा आता है, और घर की बनाए तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि घर की सब आइटम बनाए, और घर का बनाने से सब लोग एंजॉय भी करते हैं और अच्छे से खाते हैं और प्योर रहता है, सब बातें हैं। और बस आधा किलो दूध से आप देखें कितनी सारी ढेर सारे हम लोग मालपुआ रबड़ी बनाएंगे। तो देखें आप मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये लगभग मेरा आधा किलो दूध है, इसको मैं सबसे पहले गाढ़ा होने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने गाढ़ा होने के लिए इसको रख दिया है। इसको लगेगा करीब 15 से 20 मिनट गाढ़ा होने के लिए, फिर इसको हम कंटिन्यू करें। देखिए चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये मैंने देखो आपको बताती हूँ, पूरी एक तार की चाशनी नहीं हुई है, एक तार से मुझे कम लेनी है। और मैंने गैस बंद कर दी है और ये पूरी फाइनल हो गई है हमारी चाशनी। और अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो दूध मैंने बॉयल किया था ऑलमोस्ट अच्छे से गुनगुना है, रेडी हो गया है। और अब इसमें मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी ये मैदा, आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हम लोग मैदा, तो धीरे धीरे करके ही डालेंगे आप देखें। और इसको ऐसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाएं, ये देखें जैसे मैं चला रही हूँ एक ही डायरेक्शन में आप चलाएं। ये मैंने 1 स्पून डाला है, 1 टेबल स्पून, और दूसरा टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। ये देखें, ये दूसरा टेबल स्पून भी मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया है। इसके बाद हम एक दो बार उसको कढ़ाई में चला के देखेंगे, बना के देखेंगे, अगर बराबर से बनेगी तो ठीक है, नहीं तो और भी हम इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर अरारोट ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें ये जो लम्स हैं उनको आप पहले सबसे पहले क्लियर कर दें, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, किसी भी तरीके का कोई लम्स ना हो। शुरू में एक दो थोड़ा सा इधर उधर फैलती है, लेकिन फिर अच्छे से बन जाती है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करें, अच्छे से इसको बिल्कुल भी लम्स ना रहे बिल्कुल भी। ये देखें, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और एक बार हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मैदा। ये रेडी हो गया है घोल हमारा, अब हम इसको अच्छे से लम्स हटा के और कर लेंगे फ्राई। बस मुझे इसके सारे लम्स हैं जो क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स आप देखें ये मैं आप बनाने जा रही हूँ, ये अच्छे से मैंने कढ़ाई में ये जो मैदा डाली थी दूध में उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद में इसको इसमें ऐसे एक एक करके डालूंगी, जिसे आराम आराम से बनाएंगे, नहीं तो इनका खिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ये देखें कितनी अच्छी इसमें जाली आई है और ये प्रॉपर फूल के ऊपर आ गई है। तो इसी तरीके से हम एक और डाल सकते हैं, यहाँ पर जो है जगह उसमें एक छोटी सी और
डाल देंगे, नहीं तो आप एक एक बनाएंगे तो ज्यादा ठीक है। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये हमें ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनानी है, नहीं तो हमारी जो जो पेस्ट है हमारा दूध का और मैदा का वो फट जाएगा और खिल जाएगा। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छे से ऊपर आ गई है। तो आप इस तरीके से सारी मलाई पूड़ी जो है बना लें। जब ये ऊपर आ जाए तो आप एक बार इन्हें तेज कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने कर दिया है। और जब आप इसका जो घोल है वो डालते हैं उस समय जरूर आपकी जो फ्लेम है वो धीमी ही रहनी चाहिए। तो ये देखें कितनी पतली है, एकदम पतली है और बिल्कुल जालीदार है, आप देख सकते हैं क्लोज से। तो इस तरीके से आप सारी मलाई पूड़ी अपनी बना लें और इन्हें गार्निश करें फिर अच्छे से ड्राई फ्रूट से, और जो आपको चाहिए इसके ऊपर मावा डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप वैसे इनका गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखें ये पूरी बन गई है। इसे मैं डायरेक्ट डाल दूंगी चाशनी में। ये देखें आप, ये मैंने डाल दी चाशनी में और ये भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो इसको भी लेके मैं डाल दूंगी चाशनी में। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम अपनी सारी मलाई पूरी बना लेंगे। तो ये फ्रेंड देखें, ये दूसरी भी हमारी मलाई पूड़ी ऑलमोस्ट सिक गई है दोनों साइड से। मैंने इसको दबा दिया था तो ये पीछे से भी बहुत अच्छी बन गई है। इसको भी मैं डायरेक्ट डाल दूंगी चाशनी में। इसी तरीके से हम अपनी सारी मलाई पूड़ियों को बना लेंगे। और इसका रेशो आपको पता ही है कि मैंने आधा किलो दूध लिया, उसको लगभग पाव किलो कर लिया है और उसमें 2.5 टेबल स्पून मैंने मैदा मिलाई है और उसको एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट मैंने चलाया है और एकदम स्मूथ मैंने पेस्ट बना के उसका, और फिर देसी घी में, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, और उसको फ्राई कर लिया है। और लगभग एक जो हमारी चाशनी होती है, मैंने आधा किलो चाशनी लिया, एक कटोरी पानी लिया है और उसके बाद जो चाशनी हमारी थी उसको मैंने एक तार से कम की चाशनी ली है वो बना के, और अपनी सारी जो मलाई पूड़ी है, मलाई मालपुए हैं उनको मैंने उसमें डिप कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। तो एक बार बनाइएगा जरूर, मैं आपको प्लेटिंग करके बता दूँ। सो गाइज, आप देखें ये हमारी मालपुए तैयार हैं और मैं इनको गार्निश कर दूंगी। ये रबड़ी मालपुए बिल्कुल तैयार हैं एकदम। इसे मलाई पूड़ी भी बोलते हैं, मालपुए बोलते हैं, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। और इन्हें बहुत अच्छे से हम डेकोरेशन करके सबको देंगे और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। एक बार आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। और एक बार पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।